सबसे बड़ा जो समझो तो दान यही है, यही है इंसान होने की पहली पहचान, यही है, यही है जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन। अनपढ़ से धन ये है बांटने का गरीब जतन, एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। अब तक आपने देखा कि गांव के युवक हेमू की मदद से नितिन, अखिल और विनय एक गहरी चाल चलते हैं। हेमू से प्राप्त जानकारी के आधार पर नितिन पिछले जन्म की सारी बातें सच सच बता देता है। फिर जब गांव वालों को खुदाई से मां की मूर्ति मिलती है तो उनका नितिन पर विश्वास पक्का हो जाता है। बाढ़ में बह चुका देवी माँ का मंदिर दोबारा बनाने की बात होती है और इसके लिए धन और फिर मंदिर का चढ़ावा पूर्व जन्म के पुजारी के पोते हेमू को देने की बात तय होती है। स्कूल की छात्राएं गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बच्चों की परवरिश में स्वच्छता अपनाना भी सिखाती हैं। इधर साक्षरता कक्षाओं से मुखिया शांति स्वरूप ये बात समझ चुके होते हैं कि सिक्कों पर उनके निर्माण का वर्ष क्यों खुदा होता है। यही सोचकर वो मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें मूर्ति पर उसके बनाने वाली कंपनी का नाम खुदा नजर आता है। मुखिया जी ये बात प्रिंसिपल बंसल को बताते हैं। अब आगे ये देखिए मुखिया जी, ये रही वो मूर्ति जो आपको बाग में मिली, ठीक है, और ये रही वो चार मूर्तियां जो हमने शहर की खिलौना बनाने वाली कंपनी से मंगवाई। अब ध्यान से देखिए, इस पर भी वही नाम लिखा है जो इस मूर्तियों पर लिखा है। अब इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इनसे कौन सी दो बातें सिद्ध होती हैं? देखिए, इससे ये सिद्ध होता है कि या तो श्रृंगेरी देवी ने खुद ये मूर्ति यहाँ लाई और लाकर जमीन में दबा दी, क्योंकि फैक्ट्री वालों का मानना है कि ये मूर्ति उनके यहाँ की बनी हुई है। नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात ये सिद्ध होती है कि कोई ऐसी ही मूर्ति फैक्ट्री से लेकर आया और उसने उस मूर्ति को यहाँ जमीन में दबा दी और आप सब लोग को एक झूठी कहानी सुना दी। ऐसा ही हुआ है बहन जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और जिन्होंने ऐसा किया है वो अपनी गलती मान ले तो बेहतर है, क्योंकि गलती मान लेने पर इंसान आधी सजा खुद पा लेता है। मैम हमें माफ कर दीजिए, लालच में आकर हमने ही गांव वालों को ठगने का ये नाटक रचा था। हाँ मैम, हम मंदिर के बहाने इनसे पैसा कमाना चाहते थे। हाँ मैम माफ कर दीजिए मैम, ये सब हमारा ही किया था। और तुम्हारी इस घिनौनी हरकत ने तुम्हारा साथ दिया गांव के इस युवक येमराज यानी हेमू ने, है ना? हमें ये भी पता चला है कि ये भी खूब पैसा कमाना चाहता था रातों रात। इसी ने तुम्हें अपने दादा पुजारी देवराज जी के बारे में बताया, पुराने मंदिर की कहानी तुम्हें सुनाई और कुछ गांव वालों के जीवन की घटनाएं तुम्हें बताई। तुमने ये सारी कहानी गांव वालों को बताकर उनका विश्वास जीत लिया। ये तो मुखिया जी की अकलमंदी थी कि उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया और सारी सच्चाई सामने आ गई। अपने स्कूल के इन तीनों छात्रों को मैं इसी वक्त कैंप से निकालती हूँ और स्कूल खुलने के बाद इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी
और रही बात हेमराज की, वो आपका अपराधी है, आप जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। बहन जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना मुखिया जी। बहन जी, आपने पुराने मुखिया के अपराध को क्षमा करते हुए कहा था कि कोई भी आदमी हमेशा बुरा नहीं होता, वो सुधर सकता है, बशर्ते कि उसे सुधरने का मौका दिया जाए। तो क्या यही बात इन बच्चों पर लागू नहीं होती? हेमू और इसके ये तीनों साथी अभी जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, और अगर हमने इन्हें सजा दी तो ये जिंदगी के साथ नाराज और खफा हो जाएंगे, जो ठीक नहीं होगा। बहन जी, हमें इन्हें सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। गांव के विश्वास को जो इन्होंने तोड़ा है, उसे जीतने का इन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। क्यों भाई? मुखिया जी ने आज बहुत बड़ी बात कही है। उनकी इस भावना, इस जज्बे से शायद हम इनकार नहीं कर सकते, पर इस बात से भी बड़ी बात जो आज इस गांव में हुई है, वो है एक अंधविश्वास का टूटना। इस घटना से आपने जरूर ये सीखा होगा भाइयों कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर बात को पहले अपने अक्ल की तराजू पर तौलिए और फिर उस पर विश्वास कीजिए। हाँ बहन जी, पहले हमें सोचना और समझना चाहिए, फिर किसी होनी या अनहोनी पर विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मुखिया जी ने सोचा समझा और हकीकत को सामने ले आए। लेकिन बहन जी, मैं तो इस ज्ञानदान कार्यक्रम की वजह से ही ऐसा कर सका। ठीक कहा मुखिया जी, ये इन्हें हमारे एक छात्र ने ही बताया था कि जब खुदाई में कोई बहुत पुरानी वस्तु मिलती है तो उस पर कुछ न कुछ खुदा हुआ मिलता है, जो उस वस्तु के काल की पहचान करवाता है, जिससे उसके बारे में जानने की कई राहें खुलती हैं। हम सब इंसान हैं और शिक्षा ही हमें इंसानों की तरह जीना और व्यवहार करना सिखाती है। फिर तो बहन जी, इस गांव में देवी के मंदिर से ज्यादा शिक्षा के मंदिर की जरूरत है। मेरा मतलब है, इस गांव में जल्दी ही एक स्कूल खुलना चाहिए। जी हाँ मुखिया जी, उस विद्या के मंदिर में जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो गांव वालों का जीवन खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। हाँ मैम, अब हम तीनों की भी यही कोशिश रहेगी कि ज्ञान की रोशनी से गांव के हर आंगन का अंधेरा दूर हो जाए। हेमू, तुम यहाँ? हमें माफ कर दो भैया, हमें मालूम नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। नहीं हेमू, बात बिगड़ी नहीं, बल्कि बात तो सुधर गई है। और फिर भला तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये सब तो हमारा सोचा हुआ था ना। हाँ हेमू, तुमने तो सिर्फ हमारी मदद की थी। जो भी हो भैया, हम तो गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हेमू, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इंसान तो वही है जो अपनी भूलों से सबक ले, गिरे तो गिरकर संभल जाए। हाँ हेमू, जिस तरह इस घटना ने हमारी सोच को बदला है ना, उसी तरह तुम अपनी सोच भी बदल डालो। ये रातों रात अमीर बनने का ख्वाब छोड़कर अपनी योग्यता और मेहनत के विश्वास के साथ आगे बढ़ो और आगे बढ़ने में सहारा लो, ज्ञान का, शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का। आप ठीक कहते हैं भैया। हमने जिन गांव वालों को मूर्ख बनाकर ठगने की कोशिश करी थी, आओ हम सब मिलकर उनकी तरक्की के लिए कुछ काम करें। तुम ठीक कहते हो नितिन, शायद यही होगा हमारी भूल का प्रायश्चित। ये जो ज्ञानदान का महायज्ञ चल रहा है, इसमें हम सबको मिलकर आहुति देनी होगी। इस काम में हम आपके साथ हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर अपने इन गुणों को गांव वालों की भलाई में लगाएंगे। सच कहता हूँ दोस्त, तुम्हारे इरादों की मजबूती ने हमें एक नई ताकत दी है। आओ हम सब मिलकर अपना सोचा हुआ सच कर दिखाएं। और प्रिंसिपल मैडम से हमने जो वादा किया है उसे पूरा कर दिखा, ये ठीक रहेगा। तो फिर बातों में समय ना गवाएं, आओ चलकर कुछ कर दिखाएं। वाह हेमू वाह,
तुम तो पढ़ने की बजाय पढ़ाने लगे। चलो चलते हैं सर। हाँ भाइयों, जैसे कि हमारी मैडम बार बार बताती हैं कि शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई का नाम ही नहीं बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने का नाम भी है, जीवन के साथ जुड़ी सावधानियों को जानने का नाम भी है। वैसे भी आज के युग में सबसे बड़ी बीमारी जिसके बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए, वो कौन सी बीमारी है जिससे हमें बचना चाहिए? ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आजकल बहुत तेजी से फैल रही है और इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई दवा। बस इस बीमारी का अंजाम है एक दर्दनाक मौत। तब तो बड़ी खतरनाक बीमारी है जी ये तो। हाँ भाई, तभी तो कहते हैं कि इससे बचने की जानकारी हर छोटे बड़े को होनी चाहिए। हर गांव कस्बे में एड्स से बचाव का प्रचार होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एड्स की जानकारी को हमारी शिक्षा का एक अंग बनाया जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तभी आप हमें इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए प्रिंसिपल मैम से सलाह करने के बाद मैं आपको एड्स के बारे में बता रहा हूँ। पर भाई ये बीमारी है क्या? देखा जाए तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये किसी को हो जाए तो उसकी दूसरे बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और फिर वो किसी भयंकर बीमारी का शिकार होकर धीरे धीरे मौत की राह पर चलने लगता है। फिर तो भाई इससे बचना चाहिए। हाँ भाई, एड्स का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे बचाव ही इसका इलाज है। इससे कैसे बचा जाए ये मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कमाई की खातिर बाहर शहर और कस्बों में तो जाते होंगे। हाँ। जाते हो या नहीं? जाते हैं जी, पापी पेट की खातिर तो कहीं भी जाना पड़े। जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं वो अक्सर अकेले ही रहते हैं और उनके परिवार यहाँ गांव में रह जाते हैं, तो एड्स की पहली सावधानी इन्हीं लोगों के लिए। वो कैसे भाई? जो लोग अकेले शहर में जाते हैं वो अक्सर अपना अकेलापन मिटाने या काम इच्छा पूरी करने के लिए गलत राह पर चल पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भाई हाँ, समझ गए हम। ये तो मर्दानगी वाली बात है। चाचा, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मर्दानगी की यही बात आपके बच्चों को अनाथ भी बना सकती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप शहर पैसा कमाने जाते हैं या फिर अपने बच्चों को अनाथ बनाने? मतलब क्या है भाई तेरा? मतलब ये है कि एड्स होने का पहला कारण है अनजान लोगों से असुरक्षित यौन संबंध बनाना, क्योंकि इन लोगों में से किसी को भी एड्स हुआ तो वो बीमारी आप में आ सकती है और आपसे आपकी बीबी में, और इसी तरह पूरा परिवार नष्ट हो सकता है। पर बाहर के संबंध तो बहुत से लोग रखते हैं। नहीं भाई नहीं, अब आपको ऐसे संबंधों से बचना चाहिए, चाहे आप गांव में हो या फिर शहर में। समझदारी इसी में है कि आप अपने जीवन साथी के साथ ही संबंध रखें। समझदारी इसी में है। भाई अभी आपने असुरक्षित संबंध की बात कही थी, उसका क्या मतलब है? ठीक सवाल किया भैया तुमने। असुरक्षित का मतलब बिना कॉन्डम यानी रोध के संबंध रखना। वैसे मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप बाहर के संबंधों से बचें ताकि कल को आप किसी मुसीबत में ना फंसें। तो भाई इस बीमारी क्या नाम है उसका, एड्स से हम किस तरह बच सकते हैं? नहीं भाइयों, एड्स से बचने के लिए अधिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये भाई भी एड्स के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं, नितिन भी और आप सबको भी जानना बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरे गांव वालों को जाकर समझा सके। नितिन तुम इधर बैठो, अब मैं इन्हें कुछ बताऊंगा। अच्छा अखिल, जो एक बार स्कूल में डॉक्टर साहब ने बताया था तुम उसे दोहराना चाहते हो? ऐसा ही समझ लो। ठीक है। हाँ तो भाइयों, जो वजह अभी आपको नितिन ने बताई इसके अलावा भी कई कारणों से एड्स हो सकता है, जिनमें से एक कारण यह है कि एड्स वाले व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसे भी एड्स हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि खून के जरिए भी एड्स फैलती है। तो हमें चाहिए कि जब कोई अस्पताल में खून चढ़वाने जाए तो वो खून उसके रिश्तेदार देख लें कि वो खून शुद्ध है या अशुद्ध। पर इस बारे में हम कर भी क्या सकते हैं? अस्पताल में भी शुद्ध खून मिलता है जिसकी बोतल पर एड्स मुक्त लिखा होता है, वही खून इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अपने किसी रिश्तेदार का खून इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें, किसी अनजान व्यक्ति का खून कभी इस्तेमाल ना करें।
याद रखेंगे भाई, जरूर याद रखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखें, जब किसी डॉक्टर या दवा खाने में सुई लगवाने जाएं, तो ये अवश्य याद रखें कि सिरिंज और सुई पानी में 10 या 15 मिनट उबाल ली जाएं। वो क्यों भाई? भाई, एड्स से बचने के लिए सुई और सिरिंज का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुई एड्स वाले व्यक्ति को लगाई गई है, उसे बिना शुद्ध किए किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दें तो उसे भी एड्स हो सकती है। पर भाई, इसका ध्यान तो डॉक्टरों को रखना चाहिए। हाँ भाई, सुई लगवाने वाले को भी और लगाने वाले को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, और यही ध्यान गोदना गुदवाते वक्त भी रखना चाहिए। मतलब क्या है भाई तेरा? देखो, गांव वाले अक्सर मेलों और शहरों में जाकर अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं, कई अपने हाथ पर नाम लिखवाते हैं और कई अपनी बाजू पर कमल का फूल बनवाते हैं। हाँ भाई, ये शौक तो मुझे भी है। तो अपना शौक जरूर पूरा करो, बस एक बात का ध्यान रखो कि गोदना गुदवाने से पहले उसकी सुई को 15 या 20 मिनट उबाल लिया जाए, क्योंकि इसका भी वही हिसाब है कि एड्स के मरीज को जब यह सुई लगा दी जाए और बिना शुद्ध किए ये किसी दूसरे इंसान को लगा दी जाए तो उसे भी एड्स हो सकता है। अपने गांव में तो वही महीपाल आता है गोना गोदने। तो उसे बता दो, हर बार इस्तेमाल करने से पहले वो सुई को अच्छी तरह शुद्ध कर ले। ये बात तो पल्ले पड़ गई जी। एड्स फैलने की जो दूसरी वजह है, वो तो मासूम बच्चों को एड्स का शिकार बना देती है, जिनका कोई कसूर ही नहीं होता। ऐसी कौन सी वजह हो गई भाई? एड्स की जो महिला होती है, जब वो गर्भ धारण कर ले, मेरा मतलब कि जब वो माँ बन जाए, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी उससे एड्स हो सकती है। मतलब ये कि वो मासूम इस दुनिया में तो आएगा, पर उस नामुराद बीमारी का शिकार होकर। हालांकि ऐसा 30% मामलों में होता है, जो महिला एड्स से पीड़ित है और माँ बनने की इच्छुक है, उसे अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। पर भाई, पता कैसे चलेगा कि किसी को एड्स है? भाई, इसका पता तो खून की जांच के बाद ही चलता है। पर जिसको ये बीमारी हो, उसे दूसरे लोगों से अलग कर देना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को ये बीमारी न लगे। नहीं चाचा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एड्स की बीमारी कोई छूत की बीमारी नहीं है। ये मरीज के साथ रहने से, उसके साथ खाने पीने से और हाथ मिलाने से नहीं फैलती। इसी तरह थूकने से और खांसने से भी ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती। इसलिए हमें एड्स से बचना चाहिए, उसके मरीज से नहीं। उसे तो हमें पूरा प्यार, अपनापन और सहयोग देना है, ताकि उसकी बाकी की जिंदगी खुशी से बीते। तो भाइयों, ये थी एड्स पर जानकारी। मुझे उम्मीद है आप इन सब बातों को याद रखेंगे और एड्स से बचेंगे। हाँ बेटा, हम तुम्हारी बातों को याद ही नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी समझाएंगे और बताएंगे। हाँ नितिन, कहाँ है ये खत्री मैडम और मनोहर लाल जी? मैम, खत्री मैम गांव वालों के लिए किताबें कॉपियां जांच रही हैं। अच्छा, और मनोहर लाल जी? मनोहर लाल जी अभी राशन लिखवा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अभी पहुंचते ही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बैठो यहाँ पर। बच्चों, मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अपना ये ज्ञान दान का प्रयास बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है, जो कि एडल्ट एजुकेशन पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें हर कोई पूरा सहयोग दे रहा है। हम उन्हें सिखाने की, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और गांव वाले भी पूरी तरह से सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे कुछ कमजोरियां सामने उभर कर आई हैं, और उनकी भी, पर ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी सीखने का और सिखाने का एक अच्छा मौका है। मयंक, क्या तुम बता सकते हो कि ये गांव वालों के साथ साथ हमारे लिए सीखने का ये मौका कैसे है? मैम, गांव वाले हमसे पढ़ना लिखना सीख सकते हैं और दुनिया भर का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, और बदले में
हम उनसे वो सब कुछ सीख सकते हैं जो शायद कभी हमारे पास था लेकिन आज खो चुके हैं। जैसे? जैसे निश्चलता, विनम्रता और एक दूसरे के प्रति विश्वास। वेरी गुड, वेरी वेल सेड मैग, सिट डाउन। तो बच्चों यही वो सारे गुण हैं जो हमारे चरित्र में हैं, पर शहरी भागम भाग में हम शायद उन्हें खो चुके हैं और यही सारे गुण अब हमें उनसे सीखने हैं। तो मेरे आज के संदेश का मतलब यही है कि गांव वाले भले ही निरक्षर रहे हो, उनकी सोच सीमित रही हो, पर हमें उन्हें अपने से दूसरे दर्जे का नहीं मानना। उनमें भी कई गुण हैं जो हमें उनसे सीखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझकर अपनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड नाइट। थैंक यू। अरे अजीत बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं मुखिया जी। किसी नए भाषण की तैयारी कर रहे हो है? बेटा, उस रोज तुमने अपने भाषण में जो हमें समझाया वो हमारे बहुत काम आया, नहीं तो ना जाने कैसे क्या हो जाता। मुखिया जी, हम तो आए यहाँ इसलिए हैं ताकि आप लोग हमारी बातों से कुछ सीखें, सही और गलत का फर्क पहचाने आप लोग। ठीक है, लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं बेटा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। मुखिया जी, क्या आपके मंडेसर गांव के साथ कोई घना जंगल भी लगता है? हाँ, उधर पश्चिम छोर को जो रास्ता जाता है ना, वो जंगल में ही खत्म होता है। पर बेटा, तुम्हें जंगल से क्या लाना है? कुछ जड़ी बूटियां। क्यों, क्या बीमारी है किसी को? नहीं नहीं मुखिया जी, मेरे जो दादाजी है ना, उन्हें जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने का शौक है, हर समय इसी काम में लगे रहते हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां मंगवाई थी और कहा था कि मंडेसर के आगे पीछे जो घने जंगल लगते हैं उसमें से मिल जाएंगे। हाँ, जड़ी बूटियां तो वहाँ कई तरह की हैं। नहीं, उन्होंने एक खास किस्म की जड़ी बूटी के बारे में बताया था, हुगला नाम बताया था उसका। हाँ, हुगला एक जड़ी बूटी है लेकिन आजकल ये बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हें पहचान है इसकी? हाँ, मेरे दादाजी ने इसकी एक पत्ती भी दी है मुझे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी भिजवा दूंगा, तुम जंगल से जड़ी बूटी ले आना। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आपने रास्ता बता दिया, इतना ही बहुत है। कल सुबह मैं खुद ही जाके वो जड़ी बूटी ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ चलिए। आई आई राघव। शालिनी, खाने के लिए नहीं गई? मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या तबीयत खराब है? खतरी में हमसे दवाई ले लेती? राघव, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? किसे, तुम्हें या तुम्हारी भूख न लगने वाली बीमारी को? बनो मत राघव, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। देखो शालिनी, इन फिजूल की बातों में ना तुम मुझे घसीटो ना खुद का वक्त बर्बाद करो। हमारी उम्र का ये दौर पढ़ने लिखने का है, कुछ बनने का है। लेकिन राघव, दिल से किसी के हो जाने का दौर भी तो यही है ना। घटिया किताबों और घटिया फिल्मों से आदमी सिर्फ घटिया डायलॉग सीखता है, समझी तुम? डायलॉग नहीं राघव, सच कह रही हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू, रियली। देखो शालिनी, तुम चलो यहाँ से, प्लीज फॉर गॉड्स सेक। राघव, बस एक बार कह दो, राघव एक बार कह दो, आई लव यू।